इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है -9x2 + 16y2 -72x - 96y - 144=0 और कह रहे कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस इको, पहली बात तो एक्स स्क्वायर माइनस है, ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल हाइपरबोला नहीं है, ये है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स, इन दोनों को साथ में लाओ, जैसे कि यहाँ से साथ में ला लो तो क्या कॉमन आ रहा है, -9 कॉमन आ रहा है, x² + 8x बच रहा है। यहाँ से जरा देखो y वालों में से 16 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और 96y तो 6y बच रहा है। अब देखो हम इसको ना क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, x² + 8x है, 8 को 2 से डिवाइड करो 4, 4 का स्क्वायर 16 में एड अप करो, लेकिन जो है वाकई एड अप हुआ है क्योंकि बाहर तो माइनस 9 है, इसका अलावा है -9 × 16 -144 हुआ है, तो बैलेंस करने के लिए +144 लगाएंगे। इसी तरह यहाँ देखो अगर 2 से डिवाइड करें 3 का स्क्वायर होता है 9 और बाहर 16 है, 16 × 9 = 144, लेफ्ट पे एडअप हुआ है तो राइट पे भी एडअप कर ले। अब देखो ये वाला एक 144 एक 144 कैंसिल हो जाएगा, एक 144 बच जाएगा, इस 144 को ना डिवाइड कर ले 9 से, तो यहाँ 16 यहाँ 9। अब देखो चूंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला है ये हमारी वर्टिसेस हो जाएगी, ए स्क्वायर अगर 3 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-3 हो जाएगी, ओके चना। एच हमारा -4 है, यहाँ से कंपेयर करो के 3 है, तो जो मैंने क्वेश्चन बताई थी यहाँ पुट कर दो पॉइंट -4, एक बार 3 में +3 करो, एक बार 3 में -3 करो, क्योंकि दो वैल्यूज है ना, ठीक है, तो यही दो आंसर हमारे आ जाएंगे बच्चों, और यही तो हमें निकालना था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज माई आंसर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकाई आर 10 यूनिट्स and its vertices are 2, 4 and 10, 4. चौंकने वाली बात, ये ध्यान से देखो क्या सेम है, के सेम है, के सेम होने का मतलब है कि ये सिचुएशन होगी a प्लस एच कॉमा के -a + h, k, ठीक है, और जो इक्वेशन होगी वो होगी जिसमें x पॉजिटिव होगा यानी x² / a² और y नेगेटिव होगा। अच्छा चूंकि एच भी है तो ये x - h² y - k² / b² = 1। एक चीज ध्यान में रखो कि अगर एच सेम होता ना तो ये क्वेश्चन होती, यानी कि जो x कोऑर्डिनेट सेम होता ये y कोऑर्डिनेट सेम है तो ये क्वेश्चन चाहिए। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई 2c 10 है, c 5 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दे और आपको बाकी जो दिया हुआ है मेरे भाई वर्टिसेस एक 2, 4 एक 10, 4, तो देखो एक ट्रिक ध्यान में रखो, एक कॉम के तो 4 हो जाएगा, देखो ना ये बाद में कॉमा के बाद सेम है तो के तो 4 हो जाएगा, a प्लस एच बड़ी वाली को मान लो 10 और -a + h छोटी को मान लो 2, दोनों को प्लस करो 2h 12 है तो h 6 हो जाएगा। अब हमारा मामला क्या होता है, a + h = 10 में h की जगह 6 रख दो, a की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब हमें पता है कि सी स्क्वायर होता है a² + b² सी तो 5 अभी हमने निकाला था, 5 का स्क्वायर 25, a² निकाला था, a² = 16, b² 9 आ गया। अब इक्वेशन होती है x - h² - y - k² ये इक्वेशन क्यों है, जब भी ना k सेम होगा ये इक्वेशन होगी, हम पुट कर देंगे x h की जगह 6 k की जगह 4 a² की जगह 16 b² की जगह 9, ये आ गया पूरी क्वेश्चन को 144 से मल्टीप्लाई कर दो भाई तो ये फाइनल आंसर आ जाए। देखिए कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला 2x² - 3y² = 6 व्हिच इज पैरेलल टू द y लाइन y = 3x + 4r। तो मेरे भाई बात सारी ये है कि पहले 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, x² / 3 - y² / 2 = 1 आ जाएगा, ये a² 3 आ गया, b² 2 आ गया। अब स्लोप जो टेंजेंट का होता है ना y = ये होगा 3x + k। अब आपको जो करना है m तो 3 हो जाएगा, ठीक है, y इंटरसेप्ट के साथ
कंडीशन जो इस सूरत में होती होती सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो है मौजूदा सूरत हाल में देखो तो ए स्क्वायर आपके पास क्या है थ्री, एम थ्री आया, ये आया है ना थ्री, तो एम स्क्वायर नाइन हो जाएगा और बी स्क्वायर टू है तो माइनस। ये चीज किसके इक्वल हो रही होगी सी स्क्वायर के, तो थ्री नाइन सा ट्वेंटी सेवन माइनस टू ट्वेंटी फाइव सी स्क्वायर ट्वेंटी फाइव सी की वैल्यू प्लस माइनस फाइव। अब ये जो हमारे था वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है हमारा, तब ये सी की जगह ना हम क्या पुट कर देंगे फाइव, तो दो इक्वेशन आ जाएंगी वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव और वाई इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फाइव। कह रहे हैं इफ थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस के इक्वल टू जीरो इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन वाई स्क्वायर इक्वल टू वन फोर्टी फोर देन वैल्यू ऑफ के, पहले तो ना इसको 144 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, और y इक्वल टू एम एक्स होती है टेंजेंट के इक्वल, और ये कंडीशन होती है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर 16 है बी स्क्वायर 9 है, ये जो इक्वेशन है इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करते हैं मुझे देखे ना, ये दिए रीअरेंज ऐसे करेंगे कि y को एक तरफ ले लेंगे, ये हमारा m हो जाता है ये c हो जाता है, तो m हो गया माइनस थ्री बाय फोर सी हो गया k बाय फोर, ए स्क्वायर 16 है बी स्क्वायर 9 है, इस इक्वेशन में ना पुट करते हैं, सब कुछ सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी आ जाएगी भाई जीरो आ जाएगी, ये कोई मुश्किल काम नहीं है बड़े आराम से कर सकते हैं। कह रहे हैं कि लाइन x माइनस y इक्वल टू वन टचेस द हाइपरबोला 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये होता है मेरे भाई। अब इसमें ना हमारे पास ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर और लाइन दी हुई है y इक्वल टू एक्स माइनस वन, एम की वैल्यू 1 है, ठीक है, क्योंकि देखो x का कोएफिशिएंट 1 है, ए स्क्वायर 4 है बी स्क्वायर 3 है, सबको ना यहाँ पुट कर दो तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएगा क्या आ रहा है 4,3। फिर कह रहे हैं नॉर्मल टू द हाइपरबोला 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर इक्वल टू 400 एट द पॉइंट 5,4 इज। अब देखो नॉर्मल की ना इक्वेशन होती क्या है, ये होती है ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन इक्वल टू बी स्क्वायर वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई वन। अब देखो ए स्क्वायर 25 है एक्स वन 5 है बी स्क्वायर 16 है वाई वन 4 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे भाई फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 5x प्लस 4y माइनस 41 इक्वल टू 0। सबसे खतरनाक और टेढ़ा सवाल द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड हाइपरबोला 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 3। अब देखो मेरा भाई ये जो चीज़ होती है ना y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये 8 बराबर हो जाएगा 4a के, a बराबर हो जाएगा 2k, ठीक है, तो जो हमारी कंडीशन होती है एक पैराबोला जो कॉमन टेंजेंट होगा पैराबोला हाइपरबोला का वो हमेशा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, तो a तो मेरे पास 2 आ गया, एक इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 अपॉन एम क्योंकि m की वैल्यू नहीं है। दूसरी इक्वेशन देखो ये दी है 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 3। अब देखो y जो है एम एक्स प्लस 2 में कहाँ पुट करूँगा, यहाँ पुट करूँगा y की जगह, ये देखें 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तो y की जगह एम एक्स प्लस 2 अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू 3। अब यहाँ से ना जब हम रीअरेंज करेंगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, पूरा सॉल्व हो गया 3x स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बाकी माइनस 4x इसको अलग कर देंगे और ये कॉन्स्टेंट को एक साथ लिख लेंगे, ये देखें ये फाइनली आ जाएगी। अब देखो जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो हमारा ए होता है, जो एक्स के साथ होता है बी होता है सी होता है, और वैसे बात है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए हमें क्या करना होता है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac पुट करते हैं। जब हम ये पुट करेंगे ना 4 स्क्वायर 4ac तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन से भी ना जब हम फर्दर सॉल्व करना चाहेंगे तो एम के दो रिजल्ट आएंगे, ठीक है, जब पूरा सॉल्व करेंगे हम तो भाई m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। अब देखो दो वैल्यूज हैं प्लस माइनस 2, इनको कहाँ पुट करना है मैंने, यहाँ पुट करना है, ऑलरेडी a मेरा 2 है यानी बल्कि यहाँ पुट कर दीजिए डायरेक्ट,
तो देखो m की जगह जब प्लस टू और माइनस टू, प्लस टू पुट करेंगे तो 2x 2 अपॉन 2 यानी 2x प्लस 1 वाली सिचुएशन आ जाएगी, y इक्वल टू 2x प्लस 1। ये बल्कि यहाँ देख लीजिए ज़्यादा बेहतर हुआ है, y इक्वल टू mx, m की जगह 2 पुट करो तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 1। और जब माइनस टू पुट करेंगे यहाँ तो देखो ये माइनस टू और ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1। तो ये दो इक्वेशन आ जाएंगी फाइनल आंसर।